नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी अराल्डो की ये हाइज है इसको लगाएंगे। ये 750 है और इसके लिए हम एक नेट्रो प्लेट भी लाए हैं। ये वाली नेट्रो प्लेट है, इसको लगाएंगे। और हमारे स्पीकर हैं ये वाले, फ्रेंड्स कस्टम है। इसमें मैंने आहूजा के 300 वाट के स्पीकर डाल रखे हैं और हाइज छोटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या करना है, तो फ्रेंड्स अब हमने इसका ये खोल दिया दोनों का कवर। उसके बाद फ्रेंड्स इनमें होता क्या है, जो हमारे नॉर्मल स्पीकर होते हैं आते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। एक क्रॉसओवर नेट्रो प्लेट होती है जो अंदर आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और खुलने के बाद तो नेट्रो प्लेट के थ्रू आते हैं। तो मैंने जो इसमें लगा रखे हैं वो आहूजा के ही लगा रखे हैं। उसमें एक प्लेट है, उसमें से दो स्पीकरों के आउट हैं और एक एचएफ के आउट हैं। जो हमारी ये एचएफ है इसमें बहुत छोटी सी थी, ये वाली 450 है शायद, ये वाली। हम इसको हटा के, हमें थोड़ा कम लगता है, तो अब हम ये वाली हाइज लगाएंगे। ये 750 है फ्रेंड्स। ये एक मैं बात करूं तो अफोर्डेबल में ये मेरे को 1850 रुपये की पड़ी है, ये चांदनी चौक नई दिल्ली से। और ये जो नेट्रो प्लेट है, नेट्रो प्लेट देना भाई, नेट्रो प्लेट ये है, ये वाली नेट्रो प्लेट की क्वालिटी। एक SNS आती है जो नॉर्मल में लोकल में चलती है, और एक ये थी, ये मुझे सही लगी, 500 रुपये की पड़ी है। हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे जो ये तार जो आ रखे हैं, ये तो हमारे क्रॉस ओवर नेटवर्क के थ्रू आ रखे हैं, हम इसको नहीं लगाएंगे। जो डायरेक्ट हमारे एम्पलीफायर से तार आएंगे उसकी यहाँ पर इन पर इनपुट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हाइज में जो हमारी जाएंगे, हमारी इस हाइज में जाएगी। उससे पहले हमको इसमें हमारी जो ये लगानी फ्लेयर लगानी पड़ेगी, जो इसकी फ्लेयर है, इसको उसमें से खोल के हम इसमें लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये नट दे रखे हैं इस टाइप के, इनको कस देंगे हम। फ्रेंड्स बारिश आ रही है, इसकी वजह से आपको आवाज़ कम आ रही होगी, तो उसके बाद ये कस देंगे। तो फ्रेंड्स ये फ्लेयर हमने उसमें से खोल ली है, उस वाली में से। अब फ्रेंड्स इसमें हम इसको लगा देंगे, दोनों आ जाएगी। तो हम इसको ये फ्रेंड्स ये हमने इसके साथ ही आए थे, और इसके स्क्रू भी आ रखे हैं, तो हम पहले इसको लगा देते हैं। ये फ्रेंड्स हमने इसमें लगा दी है। इसमें दो तरह के दे रखे थे, इसमें वो भी छोटी भी लग जाती है, बड़ी भी लग जाती है। तो हमने इसमें लगा दी है, थोड़ा वार्सल डाल के उसके बाद हम इसमें स्क्रू कस देंगे। तो इसको लगाते हैं, फिर उसके बाद हम नेट्रो प्लेट लगाएंगे इसको खोल के। तो फ्रेंड्स करते हैं हम काम। तो फ्रेंड्स ये हमने अभी खोल लिया है। इसमें फ्रेंड्स ये आहूजा का ही एक मॉडल है नेट्रो प्लेट, ये C600 450। मतलब इसमें फ्रेंड्स हम क्या है कि जो हमारे दो तो स्पीकर है, ये रहा और एक ही पीछे जा रहा है, सॉरी ये वाला, ये तो दो तो इसमें स्पीकर लगे हुए हैं, ये जा रहे हैं यहाँ पे स्पीकर, ये स्पीकर से कनेक्ट है, और एक इसमें हाइज है। ये पूरा एक नेट्रो प्लेट में तीनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। बट हम क्या है कि हाइज को हम यहाँ पे अभी नहीं लगा रहे हैं इनको, क्योंकि हम लगा रहे हैं ये वाली हाइज 750। तो हमें अब क्या है कि ये नेट्रो प्लेट इसको लगाएंगे हम, इसको इस तरफ लगाएंगे यहाँ पे नीचे। तो हमें क्या है कि जो तार हैं ये वाले जो इसके इनपुट में आ रहे हैं, ये वाले तार जो हमारे यहाँ से इनपुट में आ रहे हैं पीछे से स्पीकर के थ्रू रखे, हम वहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको इसमें, और इसकी आउटपुट में इसको जोड़ देंगे। तो ये फ्रेंड्स होती है नेट्रो प्लेट। एक स्पीकर जो हमारा बनता है वो ऐसे ही बनता है, हम उसमें नेट्रो प्लेट अपनी लगानी पड़ती है हाइज के लिए अलग। ये फ्रेंड्स आता है वाटेज के हिसाब से, जो हमारी नेट्रो प्लेट आती है वो वाटेज के हिसाब से आती है। जैसे ये है, ये फ्रेंड्स 750 वाट के लिए है, सॉरी 750 मॉडल के लिए लगभग 100 वाट की हाइज ये नेट्रो प्लेट रहती है, और इतने की हमारी HF है। तो फ्रेंड्स हम इसको कस देते हैं और बाद में कभी चेक करेंगे, आज तो हो नहीं पाएगा, तो इस दिन और मैं बाद में आपको चेक करके दिखाऊंगा। अभी मैं इसको कनेक्शन बता रहा हूँ।